पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुकी महानगर के साहबगंज निवासी हरि नारायण जालान की पुत्र वधु रूपल जालान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो गोरखपुर के लिए सम्मान की बात है। रूपल जालान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये अवार्ड विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पेपर प्रस्तुति करने वाले अभ्यर्थियों को दिया जाता है। इस वर्ष अर्थ सिस्टम साइंस सेक्शन में रूपल जालान को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल के हाथों यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए रूपल जालान ने कहा, पीछे ये अवार्ड यंग इंडियन साइंस कांग्रेस यंग साइंटिस्ट अवार्ड है। ये मुझे अर्थ सिस्टम साइंस सेक्शन में मिला है। मैंने अपनी पीएचडी का पेपर यहाँ प्रेजेंट किया, जो कि एक नई खोज है, एक मछुआरे संबंधित प्रॉब्लम है, मछली फिश कैच की प्रॉब्लम है और एलएपी में। तो उसके हमें पास बहुत सारी स्टडीज़ थी, लेकिन उसके कारण क्यों बनते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने बहुत ही सिंपल और तरीके से बहुत ही गूढ़ समस्या का अनुसंधान किया इस रिसर्च से, और जिसकी महत्वता के वजह से मुझे अवार्ड दिया गया। कितने वर्षों की मेहनत से आपको मिला और कैसे इसका आया आपको सोचिए? जी देखिए, इसकी इस सारी उपलब्धि का श्रेय टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट मेरे गुरु को जाता है। उनका नाम है डॉक्टर राजीव निगम। मैंने 2014 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ज्वाइन किया पीएचडी के लिए और मरीन साइंस में रिसर्च करने के लिए। और मेरा बेसिकली मैं फोरा मिनी फेरा पे काम करती हूँ। ये समुद्री जीव हैं सूक्ष्मदर्शी, इनसे बहुत सारी तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इनकी शोध से सॉल्व किए जाते हैं। तो जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो ये एक प्रॉब्लम हमें बाहर से उभर के दी, बिकॉज एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग ढूंढते रहते हैं और हमारे पास आती रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम जब हमें रियलाइज़ हुई कि इतने सालों से, करीब 1938 में से ये काम चल रहा है, लेकिन इसका कोई करेक्ट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। फिर हमने जब बहुत सारी प्रीवियस स्टडीज़ और सारा डिटेल में एनालिसिस की, तो फिर एक अप्रोच बनाया कि इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन है, और जो हमें सबटेरेनियस फ्लो का आइडिया मिला उसको कैसे हम साक्ष्य करें, उसके साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके लिए हमने समुद्र में जाके, शोर पे जाके काम किया, जिसमें बोट सैम्पलिंग की, और वही पूरा नहीं था, हमें इसको एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच से सॉल्व करना था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत थी। इसलिए हम जियोफिजिकल टूल का भी इस्तेमाल किया। जियोफिजिकल टूल में एक वहाँ एक्सपर्ट हैं देश के नामी गिरामी साइंटिफिक वर्ल्ड में, डॉक्टर लवसन वीजे, उन्होंने हमें जीपीआर सर्वे के थ्रू पेलियो चैनल्स की मुझे समझाया, सिखाया, मैंने उनसे सीखा, और फिर इनके सीजनल स्टडी करके फोरा मिनीफेरा का रिस्पांस पकड़ के मैंने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, जिसको मैंने लेक लेवल से, फिर मानसून से, और फिर फिश कैच से कनेक्ट किया।